हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सलोरा कंपनी का टीवी है, सीआरटी टीवी आया हुआ है। तो इसका प्रॉब्लम है, चालू करते हैं। तो आप देख पा रहेंगे कि ये चालू नहीं हो रहा है, यानी ये रेड लाइट नहीं आ रहा है, इसका पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रहा है। तो आइए इसे खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, हमने ये टीवी खोला है और खोलने के बाद में आपको दिखाता हूँ, ये फ्यूज बर्न हो गया है, उड़ गया है। और यहाँ पे एक जो पीएफ देख पा रहे होंगे, ये भी फट चुका है। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट हो गई है। तो आइए देखते हैं इसे हम क्या क्या शॉर्ट हुआ है और किस तरह से इसे रिपेयर करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने स्विच ऑन किया है, तो आप देख पाएंगे कि ये बल्ब पूरा फुल जल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये टीवी शॉर्ट है। तो क्या क्या शॉर्ट है आइए हम चेक करते हैं और फिर आप दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहेंगे, ये जो पीएफ बर्न हो गया था, ये भी हमने निकाल दिए हैं। इसका नंबर 222 के का है ये। KV में। और ये ब्रिज रेक्टिफायर का एक डायोड भी शॉर्ट था, तो उसकी जगह हमने ये फिलहाल ऊपर से ही लगा दिए हैं एक डायोड। और अभी आगे और क्या ख़राब है तो हम चेक करके देखते हैं, ये लगा के देखते हैं। अगर ये लगा के हमारा टीवी चालू नहीं होता है तो हमको फिर ये एचडीआर, ये जो एचडीआर लगा हुआ है यहाँ पे, ये निकालना पड़ेगा और निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। तो आइए चालू करके देखते हैं। तो हमने स्विच ऑन कर दिया है, ये बल्ब देख पा रहेंगे ऑफ हो गया, और ये इधर इंडिकेटर देख पा रहेंगे ये ऑन हो गया। तो लगता है कि हमारा टीवी अब चालू हो जाएगा। तो आइए अब बारी बारी वोल्टेज चेक करते हैं। एक देख पा रहेंगे आप 116 वोल्ट, यानी 110 वोल्टेज बन रहा है। ये रेगुलेटर वोल्टेज भी बन रहा है 8.1। ये 30 वोल्ट भी बन रहा है। ये हमारा वर्टिकल आईसी का भी वोल्टेज बन रहे हैं 15 वोल्ट, 180 वोल्ट देख लेते हैं हम। 159 बन रहे हैं, क्योंकि हमने योक के वायर निकाल दिए हैं इसलिए सीरीज पे चेक कर लिए, इसलिए हम ये वोल्टेज कम दिखा रहे हैं, यानी लगभग हमारे पूरे वोल्टेज बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको अंदर से लगा के फिर से हम इसको लगा के चेक करेंगे। अब डायरेक्ट लगा के योक कॉइल के वायर लगा के स्क्रीन चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है।